और क्वेश्चन है? मेबी खत्म हो जाओ उसमें। ये लास्ट था ना, ये आपका लास्ट था। चलिए देखिए, वही ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन लिखिए। इन्हें ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली such that BD equal to CE if angle B equal to angle C, so that D parallel BC। देखो बाबू ध्यान दो, फिगर नहीं दिया गया, फिगर बनाना है। बहुत इजी फिगर है, ज्यादा टफ नहीं है फिगर। क्या करा है, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको तो पता ही होगा। कर दिए ना बाबू, ए बी सी डी और ई। तो ध्यान दीजिए, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी पर पॉइंट क्या है डी, ए सी पर पॉइंट क्या है ई रेस्पेक्टली, और बी डी किसके इक्वल है, क्या दिया गया है, ए लेंथ और ए लेंथ इक्वल दे दिया गया है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया गया है। तो ध्यान दीजिए बाबू, टेंशन नहीं लेना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ बाबू, तो ए बी इक्वल टू, तो लिखिए साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे। अगर किसी ट्रायंगल का एंगल इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल, कोई दो एंगल अगर इक्वल होता है बाबू, तो उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है ए सी, एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। अब बताओ बाबू, ए बी इक्वल टू ए सी है, और ध्यान दीजिए, तो ए बी इक्वल टू ए सी को क्या लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस बी डी लिखेंगे, और ए सी को ए प्लस सी लिखेंगे, कोई दिक्कत। और बी डी इक्वल टू सी दिया हुआ है, अगर बी डी इक्वल टू सी दिया हुआ है बाबू, तो ए डी प्लस बी डी और ए प्लस बी डी, सी के प्लेस पर क्या पुट कर दिए बी डी, तो बी डी से बी डी कैंसल आउट हो गया, तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया बाबू, ए ही आ गया। अगर ए डी इक्वल टू ए ही आ गया बाबू, तो ध्यान रखिए ए डी इक्वल टू क्या आ गया, ए ही आ गया ना,
और हमें प्रूफ करके क्या लाना है, ध्यान रखिए। तो एक इक्वेशन इसको मान लीजिए और एक इक्वेशन इसको मान लीजिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन बी गेट, अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाबू तो एडी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो ये क्या था, गिवन था ना, ये आपका गिवन था। अब बताओ बाबू ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो लिख दो इन ट्रायंगल एबीसी में डी एंड ई आर पॉइंट लाइज ऑन साइड ए बी एंड ए सी एंड डिवाइड इट एंड डिवाइड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से कर सकते हैं। डी क्या हो जाएगा बाबू, डी पैरेलल डीसी, डी किसके पैरेलल हो जाएगा बाबू, डीसी बीसी के पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए गिवन फिगर इन ए गिवन फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच इन विच ए बी इक्वल टू ए सी पॉइंट डी एंड ई आर पॉइंट्स डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड points on the side AB and AC respectively such that such that AD equal to AE, AD equal to AE, so that so that the point B, C, E and D are
कम साइक्लिक, कम साइक्लिक। तो अब हमें क्या पॉइंट कर प्रूव करना, एक एबीसी ये ट्रायंगल दिया गया है, एक एबीसी ट्रायंगल। अब कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, और ए बी और ए सी पर पॉइंट क्या ले लिया गया है, डी और ई ले लिया गया है, ले लिया गया है बाबू। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है कि ए डी इक्वल टू ए दिया हुआ है, और ए डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है बाबू कि पॉइंट बी सी ई डी कम साइक्लिक है। कम साइक्लिक का मतलब इस चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, कहां लाई कर रहे हैं बाबू, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो बताओ बाबू चारों पॉइंट को सर्कल पे लाई कराने के लिए क्या करना होगा, लिखो आंसर में। तो सबसे पहले इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करेंगे, और इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करेंगे। अगर अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री फाइंड आउट हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि बी सी ई डी क्या होंगे। देखिए बी कॉमा सी कॉमा ई एंड डी आर कंसाइक्लिक सच डैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल बी डी ई प्लस एंगल ए सी बी वन एट्टी डिग्री। अगर कम साइक्लिक होगा तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए बाबू कैसे प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू क्या है बाबू, ए सी है। अब बताइए अगर साइड अगर ए बी इक्वल टू ए सी है बाबू, तभी हम एक थ्योरम बताए थे, कौन सा थ्योरम, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल। अगर देखो बाबू अगर अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो रहा है। तो देखिए इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एंगल सी हो जाएगा। क्या प्रूफ कर दिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर दिए। क्या इसका रिक्वायरमेंट था, इसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट था, करना चाहिए था, नहीं कहा नहीं करना चाहिए था बाबू, ध्यान दो ए बी इक्वल टू ए सी है ना, तो ए बी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस बी डी, और ए सी प्लस ए प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू ए गिवेन है, क्या है, गिवेन है। तो देखो बाबू ए डी प्लस बी डी इक्वल टू इसको इक्वेशन वन मान लो, ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ए डी लिख देंगे प्लस सी लिख देंगे, तो ए डी सी डी कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो बी डी इक्वल टू क्या आ गया बाबू, सी, इसको इक्वेशन टू मान लो।
ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट ए डी अपॉन बी डी और ए अपॉन सी। तो हम कह सकते हैं ध्यान दो क्या गया, तो देखो डायरेक्ट लिख देते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं डी पैरेलल बीसी। अगर डी बीसी के पैरेलल हो जाएगा बाबू तो ध्यान दो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई क्या हो जाएंगे, कॉरस पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड एंगल बी डी ई बाबू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ध्यान दीजिए ए डी ई बी डी ई और एंगल ए डी ई प्लस एंगल बी डी ई। अब बताओ एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी इक्वल है ना, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी डी ई इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब यहां लिख देना एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी से। अब देखो बाबू और नीचे लिख देना बाइलिनियर पेयर से, बाइलिनियर पेयर से एंगल ए डी ई प्लस एंगल बी डी ई क्या दे देगा 180 डिग्री। देखो बाबू अगर एक कोई लाइन है तो इस बाइलिनियर पेयर से अगर उस पर कोई रे स्टैंड करता है, ये भी लाइन है और इस पर कोई रे अगर डी स्टैंड कर रहा है तो बाइलिनियर पेयर क्या करता है इस एंगल और इस एंगल का सम, तो एंगल ए डी ई प्लस एंगल बी डी किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब देखो बाबू इसी तरीके से इधर इरेज करते हैं। अब देखो लिखते हैं बाबू एक तो आ गया कौन क्या आ गया बाबू एंगल क्या आ गया ए सी बी प्लस एंगल बी डी 180 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या आएगा बाबू ध्यान दो एंगल ए डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, सॉरी एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। अब एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड एंगल सी ई डी, सी ई डी बोथ साइड एड करेंगे बाबू एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ई डी। अब बताओ ए ई डी और सी ई डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा बाइलिनियर पेयर से, तो एंगल ए सी डी को क्या लिखेंगे ए बी सी लिखेंगे चाह लिख देते हैं एंगल सी ई डी और यहां पर लिख दो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री बाई लिनियर पेयर से क्या हो जाएगा एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी
इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल सी ई डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए अपोजिट साइड इक्वल आ जाए ना, तो हेंस बी कॉमा सी कॉमा ई एंड डी आर कम साइक्लिक हो जाएंगे बाबू, कम साइक्लिक हो जाएंगे। तो प्रूफ हो गया ना कम साइक्लिक, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दे दिया ना, ए डी ई दे दिया, सॉरी ए सी बी और बी डी ई 180 डिग्री, और ए बी सी और सी ई डी क्या दे दिया 180 डिग्री, ए बी सी और सी डी क्या दे दिया 180 डिग्री, तो कम साइक्लिक प्रूफ हो गया बाबू। अब तो बाबू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।